आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव, मैं हूं मेघा सिंह। चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी सबसे बड़ा मामला है। इसी मामले में राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत में एक बार फिर से दोषी करार दिया गया है। लालू समेत 99 आरोपियों पर चल रहा यह केस अब तक का पांचवा लालू का केस है। दोषी करार दिया जा चुका है लालू यादव को। सीबीआई की विशेष अदालत ने एक बार फिर इस मामले में दोषी ठहराया है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार में 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इस घोटाले पर फैसला सुनाया है। चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा मामला माना जाता है। सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारों पर खर्च होना था। डोरंडा कोषागार के मामले में 170 आरोपित शामिल थे। इनमें से 55 आरोपी गुजर चुके हैं। सुशील झा और पीके जायसवाल ने कोर्ट के फैसले से पहले ही खुद को दोषी मान लिया था। इससे पहले चारा घोटाला से जुड़े 5 मामलों में से 4 मामलों में लालू यादव को सजा मिल चुकी है, लेकिन उनमें से भी वो जमानत पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 फरवरी को लालू यादव को कितने वक्त के लिए सजा होती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।